नमस्कार। हेयर फॉल, बालों का झड़ना, ये एक इतनी आम समस्या हो गई है कि हर व्यक्ति अपने बालों को लेकर के, बालों के झड़ने को लेकर के बड़ा चिंतित रहता है। सामान्य तौर पर हर घर में अगर पांच लोग हैं तो पांच में से चार लोगों की ये समस्या होती है कि बाल झड़ रहे हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद हो जा रहे हैं या बाल दो मुहे हो जा रहे हैं, बाल बहुत पतले हो रहे हैं, बाल बीच में से टूट जा रहे हैं। बालों की ये समस्या अब विगत कुछ दशकों में ही बढ़ी है। इसके पहले बालों की समस्याएं इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। तो बालों की इन समस्याओं का पूरे तरीके से निदान कैसे हो सकता है, क्या क्या ऐसा करना है आपको जिससे बाल आपके पूरे तरीके से झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। योगा फॉर हेयर फॉल, ये एक टॉपिक है। आज हम आपको ऐसा योग जो बालों के झड़ने को रोकने में आपकी बहुत मदद करेगा वो वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो में डेमो के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पूजा रावत। ये आपको कौन से आसन और कौन से प्राणायाम बालों के झड़ने की समस्या को पूरे तरीके से जड़ से ख़त्म करने में सहायक हैं, उन आसनों को, प्राणायामों को किस तरीके से किया जाएगा, इसका डेमो करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल अगर झड़ते हैं तो बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है बालों की जड़ पर न्यूट्रिशन की कमी। और हम क्या करते हैं, हम बालों में ऊपर से तेल लगा लो, ऊपर से मेथी का पेस्ट लगा लो, या फिर कैस्टर ऑयल मेहंदी में मिला करके लगा लो, या फिर कैस्टर ऑयल मोटा मोटा रात को लगा करके सो जाओ। तो ये जो है, ये जिस तरीके से आप किसी पेड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको जड़ पर न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है, ना कि आप तने पर, या तने को गुलाब जल से धो लो या तने पर आप कुछ भी लगा दो, उससे पेड़ को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ऐसे ही अगर आपको बालों के झड़ने की समस्या को पूरा जड़ से ख़त्म करना है तो आपको बाल की जड़ पर न्यूट्रिशन पहुंचाने की आवश्यकता है। और बाल की जड़ पर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमारे पाचन तंत्र में जो हम खाते हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लिया जाए और पाचन तंत्र हमारा दुरुस्त रहे, पाचन तंत्र हमारा बिल्कुल मजबूती के साथ जो भी हम खा रहे हैं उसको पचाए और पचा करके शरीर में लगाए, और जब वो शरीर में लग जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, खून में पहुंच जाए, जो भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो, उनको पूरे शरीर में घुमाने की जिम्मेदारी होती है व्यायाम की। तो निश्चित ही ऐसे व्यायाम जो आपके स्कैल्प तक खून के संचार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, उन व्यायामों को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम आसन करेंगे खड़े होकर करने वाले। खड़े होकर करने वाले आसनों के लिए हम सीधे खड़े हो जाएं। आप देखते जाएं किस तरीके से आसनों का अभ्यास किया जाना है। खड़े होकर करने वाले आसनों में हम सबसे पहले दोनों पैर मिला करके खड़े हो गए हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं और हम सीधे बिल्कुल बिना आगे या पीछे झुके हुए सीधे खड़े हैं। अब हम पाद हस्तासन के लिए अभ्यास करेंगे। पाद हस्तासन के लिए दोनों हाथ फ्रंट थाइस पर रखना है। दोनों हाथ फ्रंट थाइस पर, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे करके दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए सिर के ऊपर तक ले जाना है। दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए धीरे धीरे करके ऊपर तक ले जाना है। जब हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, दोनों बाजू कानों से लगे हुए हों, दोनों हाथों की अंगुलियों को, फिंगर्स को ग्रैस्प कर लिया, दोनों हाथों की फिंगर्स को ग्रैस्प किया। ग्रैस्प करने के बाद फिर हम दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर कर देंगे। आसमान की ओर कर दिया, फिर हम पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे।
इसको बोला जाएगा ताड़ासन। ताड़ासन, ताड़ासन। अब ताड़ासन के बाद यहां हमने पहला ये आसन किया ताड़ासन, अब हम पादहस्तासन की प्रैक्टिस करेंगे। पादहस्तासन के लिए यहां श्वास को भरते हुए हमने पूरे हाथों को ऊपर की तरफ खींचा, अब हम श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे झुकते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों पैरों पर लगाने का प्रयास करेंगे। तो पादहस्तासन का अभ्यास था, हमने पूरे शरीर को पहले ऊपर की ओर पूरा खींचा और पूरा ऊपर खींचने के बाद ताड़ासन का अभ्यास करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लेके आए कमर से आगे झुकते हुए, अब दोनों हाथ दोनों पैरों पर लगे हुए हैं पाद हस्तासन, पैरों पर हाथ लगे हुए हैं वो आसन। इस आसन को जब आप करते हैं तो पूरा का पूरा खून जो है वो सिर पर चेहरे की तरफ जा रहा है, खून का संचार पूरे सिर पर मस्तिष्क तक बढ़ रहा है, बालों की जड़ों तक अच्छी मात्रा में खून का संचार होगा, जिसकी वजह से बालों की जड़ों पर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके बालों की समस्या झड़ने की जो है वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ उठाया, पूरा ऊपर की तरफ उठाया, बैकवर्ड बैंड दिया और श्वास छोड़ते हुए हाथों को धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे। ये हुआ पहला आसन, आसन का नाम था पाद हस्तासन। इसको करने के लिए हमने पहले पूरे शरीर को खींचा ऊपर की तरफ ताड़ासन करते हुए, ताड़ासन के बाद फिर श्वास को छोड़ते हुए हम पाद हस्तासन में आए। ठीक है, जैसे हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, पहला नमस्कार आसन, दूसरा एक तरीके से ताड़ासन ही करते हैं और फिर हम आगे की तरफ आते हैं तीसरे में पाद हस्तासन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाद हस्तासन। दूसरा आसन जो बाल के झड़ने में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, आसन का नाम है पर्वतासन। पर्वतासन के लिए आप फिर से दोनों पैर मिलाकर के खड़े हुए हैं, दोनों पैर मिलाकर के खड़े हुए हैं, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को पहले ऊपर की ओर उठाया, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को कमर से आगे झुकते हुए दोनों हाथों को पैर के पंजों पर लगाया, अब धीरे से एक पैर को पीछे ले गए और दूसरे पैर को भी पीछे ले गए। ये अब आप देखें, ये है पर्वतासन। इसको सामान्य तौर पर अधोमुख स्वानासन भी बोला जाता है। तो ये आसन भी आप देख रहे हैं, इसमें भी कमर से ऊपर का हिस्सा जो है वो कमर से नीचे की तरफ गया हुआ है। कमर, पेट, पीठ, सीना, ऊपरी पीठ, कंधे, पूरी गर्दन, पूरा सिर, चेहरा और फिर आपके हाथ, बाजू, कोहनी, कोहनी से कलाई तक और कलाइयों से नीचे का पूरा पंजा जमीन पर है। तो इसमें भी सिर के तरफ खून की चाल बढ़ती है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, जो लोग इन्वर्टेड पोजेस को करने में सक्षम नहीं हैं, वो लोग इस आसन को करके बालों के झड़ने को रोकना शुरू कर सकते हैं। बाल झड़ना इस आसन को करने से डेफिनेटली रुकना शुरू हो जाएंगे, पर्वतासन। इसके बाद जब आप इससे वापस आएंगे तो एक पैर को पहले आगे ले आए, फिर दूसरे पैर को आगे ले आए, दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए उठाया, ऊपर की ओर पीछे की तरफ बैंड किया और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आए। ये हो जाएगा पर्वतासन, या फिर इसको अधोमुख स्वानासन भी बोला जाता है, वो आसन। अब हम देखेंगे अगला आसन। अगले आसन की प्रैक्टिस के लिए हम सीधे लेटकर आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। सीधे लेटने के लिए सबसे पहले हम बैठ जाएं और अब हम आराम से करवट लेते हुए सीधे लेट जाएं। आराम से लेट गए, सीधे लेटे हुए हैं। सीधे लेट के करने वाले आसनों की श्रेणी में हम आसन करेंगे सबसे पहले सर्वांगासन। तो सर्वांगासन जो है वो आसन है, हमें कैसे करना है सर्वांगासन के लिए, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे दोनों पैर मिले हुए हों, दोनों हाथ शरीर के बगल में हों। अब हम धीरे से दोनों हाथों को बिल्कुल शरीर के बगल में सटा लेंगे, हथेलियां जमीन पर रहेंगी,
पूरा शरीर बिल्कुल सीधा है। श्वास को भरते हुए सबसे पहले दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है, 90 डिग्री पर ले जाना है। अब हम धीरे से हथेलियों पर पूरा प्रेशर डालते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। तो पहले कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, ये आसन हो जाएगा विपरीत करनी। पैर थोड़े से पीछे की तरफ, सिर की तरफ और जाते हैं, तो सिर की तरफ पैर और जा रहे हैं, आसन का नाम होगा विपरीत करनी। अब हम पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे ऊपर की ओर, और हाथों से थोड़ा सा कमर को अपने सिर की ओर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो फिर यह आसन हो जाएगा सर्वांगासन। सर्वांगासन को शोल्डर स्टैंड पोज भी बोला जाता है। शोल्डर स्टैंड पोज मतलब पूरा का पूरा शरीर का वजन कंधों पर होता है, गर्दन पर वजन नहीं डाला जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो सर्वांगासन, सर्वांगासन जब हो जाएगा तो हम धीरे से सबसे पहले अपनी कमर को नीचे की ओर लेके आएंगे धीरे से, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर जमीन पर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपने देखा पूरा का पूरा शरीर ऊपर की ओर था, तो पैरों से जो खून है वो सिर की ओर चलना शुरू हो गया था, पैरों से खून सिर की ओर चल रहा था, सिर की तरफ खून का संचार जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा बालों के झड़ने की समस्या ठीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए थोड़ा सा पैरों की तरफ खिसक जाएंगे, क्योंकि पैर फिर सिर की तरफ आएंगे ना, दीवार से टच होंगे ये। ठीक है, अब हम श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, फिर से श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, फिर से हम सर्वांगासन की अवस्था में जाएंगे। सर्वांगासन की अवस्था में जाएंगे, कमर को उठाते हुए पूरा पूरे पैर पूरा धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब हम धीरे से पैरों के पंजों को सिर के पीछे जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे, सिर के पीछे जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा हलासन, हल के समान आसन हलासन। आप इसमें दोनों हाथ जो हैं वो कमर पर भी रख सकते हैं सपोर्ट के हिसाब से, अगर आप चाहें बिना सपोर्ट के अगर आप रुक सकते हैं तो दोनों हाथों को जिस तरीके से डॉक्टर पूजा ने जमीन पर रख रखा है उस तरीके से भी आप रख के इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन भी आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा खून जो है पेट से, सीने से, गर्दन से होते हुए मस्तिष्क तक, सिर तक, बालों की जड़ों तक पहुंच रहा है। तो खून का संचार जैसे जैसे बालों की जड़ों पर अच्छी मात्रा में पहुंचेगा, बाल झड़ना धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो जाते हैं। धीरे से वापस आने के लिए सबसे पहले सर्वांगासन में आएंगे, पैर पूरा ऊपर की ओर उठाए धीरे से वापस आना होता है, धीरे से फिर उत्तानपादासन, और उत्तानपादासन से दोनों पैर धीरे धीरे करके जमीन पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हलासन का अभ्यास। अब हम आसनों के अभ्यास में अगला आसन करेंगे जो होगा बैठकर करने वाला आसन। धीरे से हम करवट लेते हुए बैठने की अवस्था में आ जाएं, दाहिने हाथ को ऊपर उठाया, बाएं पैर को घुटने से मोड़ा, दाहिनी करवट ली और धीरे से बाएं हाथ के सपोर्ट से बैठने की अवस्था में आ गए। ठीक है, सीधे बैठ गए। उष्ट्रासन के लिए हमें सबसे पहले उष्ट्रासन करना है, तो वज्रासन की अवस्था में आएंगे। वज्रासन का मतलब होता है दोनों घुटनों के बल बैठना। ठीक है, तो दोनों घुटनों के बल बैठने के लिए सबसे पहले हम पैर सामने फैला करके बैठे हुए हैं, पैर सामने फैला करके बैठे हुए हैं। अब हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन के अभ्यास में सबसे पहले दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिनी एड़ी को दाहिने हिप के नीचे लगाया, फिर बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को बाएं हिप के नीचे लगाया, और अब हम आ गए वज्रासन की अवस्था में। वज्रासन में बैठे हैं, वज्रासन में आने के बाद फिर हम आएंगे नीलिंग, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा कि अगर घुटनों में किसी के दर्द है तो इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। हम घुटनों के बल खड़े हो गए, अब हम श्वास को भरते हुए दाहिने वाले हाथ को पूरा ऊपर उठाएंगे, दाहिने वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाहिने वाले हाथ को दाहिने टखने पर ले जाएंगे, फिर श्वास को भरते हुए बाएं वाले हाथ को उठाएंगे और बाएं हाथ को श्वास को छोड़ते हुए बाएं टखने पर ले जाएंगे।
अब हम गर्दन को पूरा पीछे की तरफ हैंग कर देंगे और सीने को पूरा आगे की तरफ, पूरा आगे की तरफ पुल करेंगे, पुश करेंगे, बिल्कुल ये। अब आप इस कंडीशन में रुकते हैं, आपकी गर्दन से, गर्दन जब लटकती है तो गर्दन जब लटकेगी तो गर्दन से सिर नीचे की तरफ होता है तो भी जो ब्लड है वो सिर की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये आसन जो है ये फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और फेफड़ों की शक्ति जितनी अच्छी हो जाएगी आपके बाल झड़ना उतना ही कम होंगे, क्योंकि फेफड़े मजबूत रहेंगे तो ज्यादा मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी दूर होगी बाल झड़ने में, जो सबसे ज्यादा सहायक मानी जाती है। धीरे से आप सबसे पहले दाहिने हाथ को आगे ले आए और फिर धीरे धीरे करके बाएं हाथ को आगे ले आए, वज्रासन की अवस्था में आ जाए और दंडासन में बैठ जाए। ठीक है, दंडासन में बैठ गए, फिर से पैर सामने फैला करके। अब हम करेंगे इसी सीरीज का एक आसन, मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो मंडूकासन भी हम वज्रासन की अवस्था में जाके ही करते हैं। तो वज्रासन में कैसे गए थे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा, दाहिने पैर की एड़ी दाहिने हिप के नीचे, बाएं पैर की एड़ी बाएं हिप के नीचे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और दोनों हाथों की मुट्ठी जो है वो नाभि के दोनों तरफ रख ली। ठीक है, अब श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, आगे की तरफ झुकना है। श्वास को भरा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके, आपका माथा जो है वो जमीन पर टच हो जाना चाहिए। इसको मंडूकासन बोला जाता है और योग मुद्रासन भी इसका नाम है। ठीक है, तो इस आसन का अभ्यास जब आप करते हो तो आपका एब्डोमिनल कैविटी से ब्लड जो है वो थोरेसिक कैविटी की तरफ चलेगा, उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा सिर की तरफ खून का संचार बढ़ेगा, और सिर की तरफ अगर खून का संचार बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके आपके बालों की जड़ों तक अच्छी मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा, जिससे आपके बालों के झड़ने की समस्या धीरे धीरे करके परमानेंटली बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है, तो धीरे से फिर श्वास को भरते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ ले आए और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नाभि के बगल में जो रखे थे मुठियां उनको हटाएं, वापस नॉर्मल अवस्था में दंडासन की अवस्था में बैठ जाएं। ये हो जाएंगे कुछ आसन जो बालों के झड़ने की समस्या में आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के लिए आसन करने के बाद हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं। विश्राम में आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। शवासन का अभ्यास, सीधे लेटना है, सीधे लेट करके दोनों पैर दूर दूर, दोनों हाथ शरीर से दूर, और श्वास को भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना। तो ये शवासन है। आप एक से डेढ़ मिनट का अभ्यास इसका, दो मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठ गए, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठे, वो आसन सुखासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, या वज्रासन हो सकता है, या स्वास्तिकासन हो सकता है, कोई सा भी आसन जो भी आप करना चाहें। जितने भी आसनों के नाम बोले गए हैं, आप इन आसनों के नाम के आगे बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा लगाएंगे तो आपको हर आसन को करने की टेक्निक समझ में आ जाएगी। जैसे अभी डॉक्टर पूजा सुखासन की अवस्था में बैठे हैं, पालती लगा करके बैठे हैं, पालती लगा करके बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर और हथेलियां आसमान की ओर। ठीक है, हम सीधे बैठे हुए हैं। प्राणायाम करने के लिए कमर, रीढ़, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधी रेखा में होना चाहिए, शरीर आगे के लिए झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अब आप सीधे बैठे हैं, आंखें हल्के से बंद कर लें, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिने नासिका पर लगाएं और बाईं नासिका से पूरी श्वास को भरना है और धीरे धीरे करके पूरी श्वास को बाईं नासिका से भरा, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से पूरी श्वास को छोड़ा, और पूरी श्वास जब
दाहिनी नासिका से छूट जाए तो फिर बाएं नासिका से श्वास को भरा था, दाहिनी से छोड़ा, अब दाहिनी से वापस भरना है, और जब पूरी श्वास भर लें तो बाएं नासिका से फिर से श्वास को छोड़ देना है। जिस नासिका से श्वास को छोड़ा है उसी से फिर से वापस भरना है और दूसरी से छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ा है उसी से वापस भरना है और दूसरी से छोड़ देना है, फिर जिससे भरा दूसरी से छोड़ा, जिससे छोड़ा उसके अपोजिट नॉस्ट्रिल, जिससे छोड़ा है उसी से वापस भरना है और अपोजिट से फिर से छोड़ना है। लगातार ये क्रम जो है ये चले, कम से कम 3 से 5 मिनट का इसका अभ्यास हो जाए। धीरे से श्वास को भरा, पूरी श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ा, फिर श्वास को भरा, दूसरी वाली नासिका से पूरी श्वास को छोड़ा, जिससे छोड़ा है उसी से वापस भरा और दूसरी नासिका से फिर से श्वास को छोड़ा। 3 से 5 मिनट का अभ्यास, उसके बाद धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे जो बालों के झड़ने को रोकने में मदद करेगा। प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए सीधे बैठे हुए हैं, दोनों हाथ घुटनों पर हैं, हथेलियां आसमान की ओर हैं, पूरी श्वास को भरना है और भरी गई पूरी श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना है। पूरी श्वास को धीरे धीरे करके भरना है, पूरी श्वास को भरना है, पूरी श्वास को भरना है, जितनी श्वास को भर सकते हैं उतना ज़्यादा श्वास को भरा जाए, और पूरी श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना है। पूरी श्वास को भरना है, भरी हुई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना है। पूरी श्वास को भरा, भरी हुई श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ा। श्वास को भरना छोड़ना, भरना छोड़ना, पूरी श्वास को भरना, भरी गई श्वास को पूरा धीरे धीरे करके छोड़ना। जब इस प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितनी देर में श्वास को भर रहे हैं उससे लगभग 1.5 गुने समय में श्वास को छोड़ा जाए। श्वास को जितनी देर में भर रहे हैं उससे 1.5 गुने समय में श्वास को छोड़ा जाए। श्वास को बहुत धीरे धीरे करके भरना और जितनी देर में श्वास को भरा है उससे ज़्यादा देर में श्वास को छोड़ना। जब आप इसको करने में कंफर्टेबल फील होना शुरू कर दें, कंफर्टेबल लगने लगे आपको, तब फिर आप श्वास को तेज गति से भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये हो जाएगा भस्त्रिका। इस भस्त्रिका के अभ्यास से आप अपने पूरे शरीर में श्वास का आवागमन बढ़ा रहे हैं। श्वास का आवागमन जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा फायदा आपके पूरे शरीर में मिलेगा। इसके बाद हम अगला प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का नाम है कपालभाती। कपालभाती, कपालभाती प्राणायाम जो है इसके लिए बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं, और अब हम अपने श्वास को धीमी गति से भरेंगे और भरने के बाद छोड़ेंगे। जब तो पेट पर पूरा जर्क लगाते हुए, पेट के ऑर्गन्स को पूरा अंदर की तरफ दबाते हुए, इससे पेट के ऑर्गन जब अंदर की तरफ दबेंगे तो आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और डायफ्राम जितना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा फेफड़ों पर एकदम से प्रेशर पड़ेगा और श्वास एकदम से बाहर आएगी। कपाल भाती, कपाल भाती वैसे प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है। कपाल भाती में
वात क्रम कपाल भाति क्रिया। वात क्रम कपाल भाति क्रिया का मतलब होता है वायु के माध्यम से आप अपने पूरे शरीर का शोधन करने का काम करते हैं, लेकिन ये चूंकि आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स, आपके फेफड़ों पर और उसके साथ में आपके हार्ट पर भी माइल्ड मसाजिंग इफेक्ट देता है, इसलिए ये आपके पेट सीने से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। केवल ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बीपी की समस्या है या फिर हार्ट की समस्या है या फिर सेरेब्रल स्ट्रोक के पेशेंट हैं आप, ऐसे कंडीशन में आपको इस कपाल भाति क्रिया को करने में पेट पर जर्क बहुत धीमा देना है। तो कपाल भाति प्राणायाम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, कपाल भाति प्राणायाम की कैटेगरी में सामान्य तौर पर नहीं रखा जाता, तो आप कपाल भाति बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा सर्च करेंगे तो आपको कपाल भाति का पूरा अभ्यास किस तरीके से करना है ये पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो क्रम था पूरा, सवेरे सवेरे खाली पेट अगर आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं और इसके बाद फिर आप इन प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 15 दिन में ही आपके बालों के झड़ने की जो गति थी, जिस तरीके से बाल आपके झड़ रहे थे, टूट रहे थे, वो 7 से 15 दिन में ही कम होना शुरू हो जाएंगे और महीने से 2 महीने के अंदर में ही बाल झड़ना, टूटना, दो मुहे होना और पतले होना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बालों की अच्छी डेंसिटी आएगी, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।